एक बार की बात है, अमृतपुर नाम के एक गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मनोरमा की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से कई बार उसे बाहर के लोग चढ़ा दिया करते थे और वह खूब रोती थी। मनोरमा और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन मनोरमा की बेटी गुड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है, पापा भी घर पर हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं ना, उनके मंदिर के बाहर झूले भी हैं, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद मनोरमा, उसकी बेटी और उसका पति तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। जब वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कूड़ेदान के पास छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। मनोरमा उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ, बताओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी दूंगी। मैंने कभी अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं मेरे जन्म के पश्चात ही वे लोग मर गए थे और तब से मुझे चाची ने रखा था। चाची मुझे रोज मारती है और देखो ना, आज यहाँ छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे दोबारा चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसे कूड़ेदान में रह लूँगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूँगी। मनोरमा को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है, अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना? अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। गुड़िया, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद मनोरमा का परिवार उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद मनोरमा उस बच्ची का नाम शिवानी रख देती है। शिवानी को मनोरमा के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि मनोरमा और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं है। वे लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। गुड़िया भी शिवानी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतता गया। मनोरमा जरा बूढ़ी हो गई और उसके दोनों बेटियां जवान हो गई। गुड़िया ज्यादा लंबी ना हो सकी, उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वही शिवानी कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वे दोनों वहां से वापस आ रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कियां मिलती है और वह शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, तुम अपने इस काले कलोटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा से सुंदर और ये तुम्हारे पैर की जूती बराबर भी नहीं है। हाँ शिवानी, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर शिवानी कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम लोगों के घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात गुड़िया की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। गुड़िया का दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। सभी लड़कियाँ मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और शिवानी घर लौटकर आ जाती है। गुड़िया को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर रोने लगती है। शिवानी उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उनकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना? मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत और मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग बुरा ही कहेंगे ना, इसमें भला उनकी भी क्या गलती है? तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी,
मैंने कहा ना शिवानी, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवानी ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी कि मनोरमा वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ शिवानी जो तुम यही मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज शाम को गुड़िया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेटी जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है, और अपने हाई हील पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद शिवानी दोबारा कमरे में जाती है और कहती है, गुड़िया दीदी अब आप चुप हो जाएगी, अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी ही आ जाएगी। आज शाम को आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना। ओहो, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुड़िया फटाफट नहा कर आती है। उसके बाद शिवानी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर शिवानी गुड़िया को लेकर बाहर जाती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना, कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो गुड़िया को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नज़र तो शिवानी पर टिकी थी। लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी हमें आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आपके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे जी आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी, आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे उसके बाद छोटी की करेंगे। तभी गुस्से में शिवानी भी कहती है, हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हैं, अपने बेटे को तो देखो बंदर जैसी शक्ल का, निकल जाओ यहाँ से, पापा इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। शिवानी की ये बात सुनकर लड़के वाले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गुड़िया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवानी गुड़िया को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी एक दिन किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम। तुम चुप रहो शिवानी, कब तक मुझे झूठे तसल्ली देती रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। शिवानी उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर शिवानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूंगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी गुड़िया दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर शिवानी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारिन आती है और कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है, मैंने घर में ताला लगाया था और उसकी चाबी गुम हो गई है, मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, मुझसे ताला टूट नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो। हाँ हाँ दादी माँ क्यों नहीं। शिवानी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उसके घर का ताला तोड़ने में उसकी मदद करती है। उसके बाद वो अम्मा शिवानी के बारे में पूछती है तो शिवानी उसे सारी परेशानी बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी। वो क्या दादी अम्मा? दादी अम्मा अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक चमचमाती सैंडल और एक चमचमाता हुआ मेकअप किट निकालती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना, जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी, फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा, पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी, मैं अभी चलती हूँ। शिवानी दौड़ती हुई घर आती है और गुड़िया के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
ये कहकर शिवानी गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया तुरंत वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन से सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर गुड़िया शिवानी को गले से लगा लेती है। मनोरमा और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में गुड़िया की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई से करा देती है। उसके बाद शिवानी और गुड़िया एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।